मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पास फियर आनी है, तो आपके पास कोई भी हो आप उसे इस्तेमाल करिए, कोशिश करिए कि प्योर ही हो, क्योंकि ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनका रिजल्ट इस सूरत में ज्यादा आता है जब आपके पास चीजें खालस हों। अच्छा, बस दोनों चीजें हमने हम वजन लिया है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि इसको आपने ये नहीं कि बस हल्का सा मिक्स किया और अप्लाई कर दिया, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है। इसके अंदर छोटे छोटे से बबल्स बन जाएंगे, जब तक वो खत्म नहीं होंगे ये क्रीम की शक्ल में नहीं आएगी। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करिए, एक दो मिनट लग जाएंगे आपको मिक्स करते हुए, देन आप इसे अप्लाई करें। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ आप लोगों को इसको अप्लाई करने का तरीका बताती चलो कि इसको आपने बना के रख लेना है, जैसा कि मैंने बताया पिछले दो हफ्ते के लिए बना के रख सकते हैं फ्रिज के बाहर या फ्रिज के अंदर। तो इसी हिसाब से आप करीब तीन तीन चम्मच दोनों चीजें ले लीजिए, हम वजन थोड़ा सा बनाइए। आप इसे अपने हाथों पर अप्लाई करें, पाँव पर अप्लाई करिए, गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, चेहरे पर इसे अप्लाई मत कीजिए क्योंकि आप चेहरे पर जो है वो ग्लव नहीं पहन सकते, क्योंकि इसका कम्प्लीट प्रोसेस जो है वो अप्लाई करने का ये है कि आप इसे अपने हाथों पर लगा के दो मिनट के लिए मसाज करें। मैं आपको करके भी दिखा दूंगी, लेकिन तब तक मैं वीडियो को शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो मैं बाकी की चीजें आपको बताती चलूँ। अपने अपने हाथों पर इस क्रीम को लगाने के बाद एक दो मिनट तक मसाज करना है कि ये मटेरियल ये क्रीम अच्छी तरह से आपकी स्किन के अंदर जजब हो जाए। देन आपने वॉश किए बगैर अपने हाथों पे सूती दस्ताने पहन लेने हैं जो कि हम सर्दियों में पहनते हैं। एक होते हैं प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं, एक शापर नुमा ग्लव्स होते हैं जो कलर वगैरह लगाने के लिए होते हैं। अगर आपके पास सूती दस्ताने फिलहाल नहीं है तो आप प्लास्टिक के पहन लें, बट क्योंकि मौसम बदल गया है तो उससे आपके हाथों को पसीना आएगा वो ना पहने अपने सूती दस्तानों का जो है वो इस्तेमाल करना है। ये देखिए क्रीम की शक्ल में आ गई है, तो इसे अब आपने थोड़ा सा जितनी मिकदार में अपने हाथों पर अप्लाई करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल क्रीम के जितनी क्वांटिटी लें जितना हम लोशन अपने हाथों पर लगाते हैं, और इसे अपने हाथों पर आपने अप्लाई कर लेना, देन आपने इसका मसाज करना है अपने हाथों पे अच्छी तरह से। आप पैरों पे करना चाहते हैं आप पैरों पे भी अप्लाई करिए, क्योंकि इसमें शहद है तो सारी रात आपके मतलब चेहरे पर लगाने से चिपचिप होगी, तो हाथों पे तो हम ग्लव्स पहन लेंगे उसकी टेंशन नहीं, और ये वैसे भी आपके हाथों के अंदर जजब हो जाएगा फिर इसमें ऑयल होने की वजह से ये आपके हाथों पे ज्यादा चिपचिप भी नहीं करेगा। ठीक हो गया, एक दो मिनट अच्छे से मसाज कर लेने के बाद आप अपने हाथों पे सूती दस्ताने पहने और आप सो जाए। सुबह उठ के आपने नॉर्मल पानी के साथ साबुन से अपने हाथ धो लेने, और ये आप देखेंगे एक ही रात के इस्तेमाल से नेक्स्ट डे आप इसको अपने हाथों को चेक करिएगा कि उनमें कितनी सॉफ्टनेस होगी और आपके हाथ एकदम से चमकदार साफ शफाफ हो जाएंगे। अगर आप इसको 8-10 दिन रेगुलर कर ले तो आपके हाथों पे कोई भी कोई दाग धब्बे छोटे मोटे होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, जस्ट मटी निकल जाएगी, आपके हाथ मतलब इन शॉर्ट ये एकदम से नीट और नरम मुलायम हो जाएंगे। आप इसे लाजमी अप्लाई करें क्योंकि ये बिल्कुल महंगी क्रीम नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त होगा। इसको ऑयली स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमने अपने चेहरे पर तो अप्लाई नहीं करना, ये खुशी हाथ पाओं के लिए क्रीम बताइए आप लोगों को। और आप अपने चूंकि पैरों पे हम ग्लव्स नहीं पहन सकते तो कोई सूती कपड़ा नुमा चीज हो वो आप अपने पाँव पे लपेट सकती हैं, वो इसलिए कि बिस्तर भी खराब नहीं हो और आपको खुद को भी उलझन नहीं हो, लेकिन आपने अप्लाई करने से पहले जजब हो लेना। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि अच्छी तरह से जजब हो जाने के बाद अपने पैरों को ऊपर से टिश्यू के साथ हल्के हल्के से उतार दीजिए ताकि जो स्किन के अंदर जजब हो गया वो ऑल नाइट स्किन के ऊपर काम करे और आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाए। और हाथों के ऊपर आप लाजमी अपने ग्लव्स को पहनिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिल सके। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती